सभी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। और शुरुआत मौसम खबर की लेकिन करेंगे हम पाँच बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से आज की पाँच बड़ी खबरें कौन सी हैं, सबसे पहले नज़र डालते हैं तमिलनाडु पर, जहाँ पर कम दबाव के क्षेत्र की वजह से भारी बारिश का अनुमान तमिलनाडु को लेकर जताया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें जहां पर तटीय इलाकों में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से भारी बरसात संभव है। इसके साथ ही अगर हम बात करें केरल की, जहां पर कुछ जगह भारी बरसात हो सकती है, तो केरल के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। यानी दक्षिण भारत को लेकर फिलहाल मौसम को लेकर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दक्षिणी आंध्रीय कर्नाटक की बात करें जहां पर कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार जताए गए हैं, तो यहां पर भी मौसम को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की बात करें, कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, तो उत्तर प्रदेश के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। ये हुई मौसम के लिहाज से आज की पांच बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, जिसमें हम जानेंगे मौसम अलर्ट के बारे में। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, इन तमाम बातों को जानेंगे अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पंजाब में सुबह के समय कहीं कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज़्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए हम यह जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं और जानते हैं बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है इसमें, लेकिन फिलहाल क्या अलर्ट है जान लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, कोई बरसात की उम्मीद नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें, कोई बरसात को लेकर संकेत जारी नहीं किए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी, यानी तमाम राज्यों के अंदर फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। और अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, जिसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। और उड़ीसा में भी इसी प्रकार का मौसम आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल कोई बरसात नहीं है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कोई बरसात को लेकर संकेत जारी नहीं किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात को लेकर संभावना है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश है, लेकिन भीती दक्षिण कर्नाटक और केरल की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं छत्तीसगढ़ पर नजर डालते हैं, आप देख रहे हैं यहां पर कहीं कहीं बारिश को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। और यहीं पर कोंकण, गोवा की बात कर लेते हैं, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी दोनों जगह पर कोई बरसात नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर भी कोई बरसात के संकेत नहीं है। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई। बात करें हिमाचल प्रदेश की, पिछले 24 घंटे में यहां पर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। हरियाणा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। पश्चिमी राजस्थान में भी इसी प्रकार की स्थिति रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से घना कोहरा
छाया हुआ देखा गया है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर कोहरे को लेकर देखें तो इस प्रकार से अपडेट रहा। और बारिश को लेकर बात कर लेते हैं, उड़ीसा के कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। तो यानी इन तमाम राज्यों के अंदर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर बरसात दर्ज की गई। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी के कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है, बरसात दर्ज की गई। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लें, यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है पहचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप मौसम खबर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। इस समय देश के तमाम राज्यों में अधिकतम तापमान कैसा है और न्यूनतम तापमान क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्व राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की, अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करें जिसमें अधिकतम तापमान की स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर बिहार की अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब बात करें दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों के, जिसमें तेलंगाना, रायल सीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की स्थिति की बात कर लें, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर, या ये कहें सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दमन और दीव की बात कर ले तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें देश में सबसे अधिक तापमान की तो सौराष्ट्र के राजकोट में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ, देश का सबसे अधिक तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें पंजाब और चंडीगढ़ की सबसे पहले बात करते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। बात करें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करते हैं बिहार की स्थिति के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड की स्थिति के बारे में, न्यूनतम तापमान यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहां पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इन 3 राज्यों की स्थिति के बारे में हम बात करें तो वहीं बात करें गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में तो न्यूनतम तापमान आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करें सबसे कम तापमान की पूर्वी राजस्थान के अजमेर में, देश का सबसे कम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो देश का सबसे कम तापमान अजमेर में दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। Thank you.
जाना हमने देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम आपको बताएंगे कि किसान भाई कैसे अपनी फसलों की देखभाल करें, समय के अनुसार क्या सावधानियां बरतें। लेकिन इसको जानने से पहले यहां फिर से रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। चलिए इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, जहां वायु गुणवत्ता बहुत खराब से भी ऊपर रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 535 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 443 दर्ज हुआ। मुंबई में वायु गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 349 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 281 दर्ज हुआ। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 443 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 448 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 318 दर्ज हुआ। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में। जी हां, आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर किस प्रकार से मौसम रहेगा, किस प्रकार से तापमान की स्थिति रहेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी पर्यटन की तैयारी कर सकें। तो मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में कि किस प्रकार से आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां पर बुधवार को आप देख रहे हैं कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को यहां पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। शुक्रवार शनिवार मौसम में फिर से परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन खुला हुआ मौसम रहेगा, तेज धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है कुछ एक क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुल्लू के अंदर बना रह सकता है। तो इस प्रकार से मौसम का हाल रहेगा, इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें उत्तराखंड के औली की, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आने वाले 4 दिन मौसम खुला हुआ साफ दिखाई देगा, धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19.1 डिग्री सेल्सियस के साथ 20.2 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस के साथ 7.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात कर लेते हैं, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन अयोध्या के अंदर घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है और चारों दिन यहाँ पर भी घना कोहरा छाए को लेकर अलर्ट है। बिहार के बोधगया की बात करते हैं, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी घना कोहरा
छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले चार दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा और चारों दिन तापमान और मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहेगा आने वाले चार दिनों के लिहाज से बोधगया में। तो इस प्रकार से सैलानी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा के पुरी की तरफ। बुधवार गुरुवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है कुछ एक क्षेत्रों में। शुक्रवार शनिवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम साफ रहेगा और तेज़ धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है आने वाले चार दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और साथ ही शुरुआत के दो दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। असम के सिलचर की बात करें, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन का हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है, संकेत जारी कर दिए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन आपको दिखाई देगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन चारों दिन यहां पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है, संकेत जारी कर दिए गए हैं। तमिलनाडु के ऊटी की बात कर लेते हैं। बुधवार गुरुवार बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। शुक्रवार शनिवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन शुक्रवार शनिवार बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात कर लेते हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले चार दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी सावधान रहें क्योंकि घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी कर दिए गए हैं चित्रकूट में। इसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम खुला हुआ और साफ है बिल्कुल, तेज़ धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है अजमेर में। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चारों दिन यहाँ पर मौसम खुला हुआ है, एकदम साफ है, आप बेफिक्र होकर अजमेर जाने की तैयारी कर सकते हैं। ये हुई पर्यटन स्थलों की बात। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करते हैं अपने किसान भाइयों की और उनकी खेत में लगी हुई फसलों की। इस समय के अनुसार आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आपको अच्छी उपज मिले, जानते हैं अपने एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में तैयार धान, मक्का और मूंग की कटाई करें, यहाँ के किसान कपास की चुनाई भी करते रहे। पंजाब में बैंगन की रोपाई करें, यहाँ के किसान मध्य और पछेती किस्म की फूल गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए गाजर, मूली, शलजम और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इन दिनों पंजाब में लहसुन और मटर की बुवाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरसों और चने की बुवाई के लिए भी पंजाब में ये मौसम अनुकूल है। छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह है कि वो अगेती कोदो और कुटकी मिलेट्स की तैयार फसल की कटाई समय पर कर लें। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की खुदाई करें, तैयार मूंग की कटाई जल्दी पूरी करें, सब्जियों की टुड़ाई भी समय पर करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर और प्याज की नर्सरी तैयार करें, मूंगफली की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। वहीं गुजरात में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। गुजरात में तिल, सोयाबीन, उड़द और मूंग की कटाई समय पर कर लें। गुजरात में इन दिनों रब्बी की दलहनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की रोपाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस राज्य में आपको क्या सावधानी बरतनी है और कैसे कृषि कार्य करने हैं आपको, इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई कार्य जारी रखा जा सकता है, साथ ही गेहूं की बुआई भी की जा सकती है। लहसुन की उन्नत किस्मों की रोपाई कार्य भी किया जा सकता है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई करें, उपज को सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करने की उचित व्यवस्था भी बनाए रखें। शरदकालीन गन्ने में रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। हरियाणा में परिपक्व धान की कटाई कार्य जारी रखें। सरसों की बुआई तथा आलू की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान करें। मध्य प्रदेश में रबी प्याज की नर्सरी बुआई कार्य कर सकते हैं। सरसों, चना, जौ तथा मटर की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कुलथी, मूंग, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, मक्का एवं सूरजमुखी की बुआई तथा आलू की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर तथा बैगन इत्यादि की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। आंध्र प्रदेश में परिपक्व धान एवं मक्के की फसल में कटाई कार्य कर सकते हैं। रबी मूंगफली, मक्का एवं ज्वार की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। तेलंगाना में चना, कुसुम, सरसों तथा लोबिया की बुआई इस सप्ताह में पूर्ण कर लें। सूरजमुखी की बुआई भी कर सकते हैं। कर्नाटक में परिपक्व मक्का, मूंगफली तथा धान की कटाई कार्य जारी रखें। परिपक्व सुपारी को तोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं। जल्दी बोई गई कपास की फसल में चुनाई का कार्य कर सकते हैं। रागी, कुलथी, ज्वार, चना, कुसुम, सूरजमुखी एवं लोबिया इत्यादि की बुआई तथा गन्ने की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। गुजरात में धान, सोयाबीन एवं मूंगफली की कटाई का कार्य किया जा सकता है। गेहूं, चना, सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ इत्यादि बुआई भी कर सकते हैं। लहसुन, गन्ना तथा आलू की रुपाई कार्य भी किया सकता है। महाराष्ट्र में परिपक्व धान एवं रागी की कटाई का कार्य कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ में सिंचित अवस्था में कुसुम, चना, मटर, मक्का एवं गेहूं की बुआई तथा आलू एवं गन्ने की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा उत्पादन आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आपको बताते हैं कि आज की फसल में क्या कुछ जानकारी लेंगे। तो आज हम बात करेंगे मेथी की फसल के बारे में। मेथी की फसल की खेती करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि धनिए की फसल को लेकर क्या कुछ खास है ये भी जान लेते हैं। धनिए की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें, साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। एक माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चुर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। एक हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो आप भी अगर धनिया की फसल लगाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे, अच्छा खासा आपको उत्पादन मिलेगा और मुनाफा भी आप कमा पाएंगे। इसके साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से आप कितने भी लोगों के साथ कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं।
इसके साथ ही मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुंबई में आप लोग सेटल हो जाएंगे और वहीं बड़की के लिए एक लड़का हम राकेश जी पसंद है और राकेश जी को बड़की दी। ये अरेंज्ड मैरिज है या लव? जो भी हो, प्यार होना है, शादी से पहले हो या शादी के बाद, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को ये बीमारी होता ही नहीं। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पर क्यों हम कभी रावण, कभी कंस और कभी गोडसे बन जाते हैं? क्यों? ये है हमारे हमारे देश का यूथ, जिसके कंधों पर आने वाले कल का भार रखा जाएगा। कल हमारा है। सोमवार से गुरुवार रात 9:00 सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये प्रोफेशनल बॉक्सर है तक देना दिंदा। आप इस बॉक्सर को घर में क्यों लेकर आए? राम भाई आप रेडी हो जाइए, तेल लगा के वो ऐसे मारेगा कि आपकी मांसपेशियों में तेल चला जाएगा और आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8:00 और पुनः प्रसारण प्रातः 11:00 सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मैं तुम सबकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमें किसी भी स्थिति में माता सीता का पता लगाना है। मैं देख रहा हूँ कि देवी जानकी लंका की एक वाटिका में बैठी है। हम अपने प्राण देकर भी लंका जाएंगे और प्रभु श्री राम का कार्य पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम सबके साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7:00 सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बचपन से सुनते आए हैं कि राम से बड़ा उनका नाम है। अभी मैंने लेटेस्ट ये कथा सुनी कि जब राम सेतु बन रहा था तो प्रभु श्री राम ने भी पत्थर पानी में डाला, लेकिन वो पत्थर डूब गया। राम जी ने आश्चर्य से हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पत्थर इसीलिए तैर रहे हैं प्रभु क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। श्री राम हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही भक्ति रस में डूबा एक ऐसा ही सीरियल काकभुशुंडी रामायण आ रहा है दूरदर्शन पर, तो देखना ना भूलिए काकभुशुंडी रामायण। बदलते भारत की शान।